नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आपको मैं बता दूं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव वीडियो में, जहां पे आज दिखा रहा हूं मैं आपको बीजेपी पार्टी के तरफ से बैरिकेटर को किस तरीके से लगाया गया है सड़क में, और जो स्थितियां हैं आपके सामने हैं, जो बीजेपी का कर्मी जितने भी हैं, बीजेपी पार्टी कर्मी जो बीजेपी करते हैं, वो पुलिस कमिश्नरेट में ले जा रहे गाड़ी में बीजेपी के पार्षद को, उनको नहीं ले जाने देने के लिए बीजेपी पार्टी समर्थी जितने भी लोग हैं वो सड़क पे, देखिए मेरे कैमरा के सज्जन से आप देख पा रहे हैं, सब सो गए हैं, वो नहीं ले जाने देना चाहते हैं और घोर विरोध कर रहे हैं। और ये शांतिपूर्ण तरीके से और जो देखने को मिल रहा था अभी तक सिलीगुड़ी का माहौल, वो अब कहीं ना कहीं गर्म होते दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। लग रहा था कि सिलीगुड़ी में शांति भंग से ये बंद का आह्वान होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देख करके अब ये ढाक के तीन पात जिसे कहते हैं वो दिख रहा है, और स्थितियां साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ भी बहुत ही जोरदार लोग विरोध करने वाले हैं बीजेपी कर्मी। ये बीजेपी कर्मी, आपको मैं बता दूं, जितने भी दर्शक जो मुझसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, कालियागंज में जो कर्मी जो बीजेपी के आपको बता दें, जितने भी दर्शक मुझसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, मृत्युंजय बर्मन नामक व्यक्ति जिनको आरोप है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि उन्हें पुलिस ने मारा है, उसके ही खिलाफ आज जो है 12 घंटा का ये किया गया था, जोरदार हड़ताल का मांग था हमारे उत्तर बंगाल में। तो अभी जो स्थितियां हैं आपको मैं बता दूं, आप साफ देख पा रहे हैं कि कैसे बीजेपी पार्टी कैसे सड़क पे विरोध प्रदर्शन कर रही है और गाड़ी को टस से मस नहीं होने दे रही है। पुलिस प्रशासन भी हाथ पे हाथ रख करके सोचने पे बेबस है कि क्या करें। वो सामने आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरे के सौजन्य से कि बीजेपी कर्मी, बीजेपी पार्टी, बीजेपी समर्थक जो भी हैं वो सड़क पर कैसे लेट गए हैं और गाड़ी को आगे जाने देने से रोक रहे हैं। ये 12 घंटा हड़ताल का डिमांड किए हैं और उसको पालन करवाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्थितियां हैं आपके सामने हैं, दिख रही है। एक समय तो ऐसा लग रहा था सिलीगुड़ी शहर कि आज कोई ज़्यादा इसका असर नहीं दिखेगा, बट अब कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीका से कमर कस के बीजेपी कर्मी सड़क पर उतर गए हैं वो कुछ और ही स्थितियां बयान कर रही है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और आइए हम अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखाते हैं यहाँ की वर्तमान स्थितियों को। नमस्कार, मैं पंकज, जैसे कि जितने भी जो भी दर्शक मुझसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये आप देख रहे हैं कालियागंज में जो आसुत बर्मन नाम के एक व्यक्ति जिसे गोली लगने से जो मर गया, उसके विरोध में उसी के पक्ष में ये बीजेपी कर्मी जो है 12 घंटा का हड़ताल का डिमांड किया था, हड़ताल की मांग की है। उस हड़ताल को पालन करवाने के लिए बीजेपी कर्मी इस तरीके से सड़क पर उतर गई है। आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरा के माध्यम से, माफ कीजिएगा, मृत्युंजय बर्मन के मृत्यु के उनके मर्डर के खिलाफ बीजेपी का आरोप है पुलिस कर्मियों पे कि कालियागंज पुलिस के द्वारा मर्डर किया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, और उसके ही खिलाफ कि उन्हें अस्वाभाविक मौत हो जाने के कारण जो है भाजपा पार्टी जो है इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक युवती के साथ जो दुष्कर्म किया गया था, उस दुष्कर्म के खिलाफ सड़क पे उतरे थे मृत्युंजय बर्मन, उसके
लिए ही कामतापुरी समाज, जो बाह्य बंगाली जिसे कहते हैं, ये समाज कहीं ना कहीं घोर विरोध कर रही थी। और आज साफ देखने को मिल रहा है बीजेपी समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे कमर कस के तैयार हैं। वो टस से मस नहीं होने देना चाहते हैं। राजवंशी युवक मृत्युंजय बर्मन की जो हत्या हो गई, उस हत्या के खिलाफ में, उसके हत्या का विरोध करते हुए पुलिस के गोली से उसकी हत्या हुई थी, ऐसा आरोप है, ऐसा कहा जा रहा है। उसी के लिए बीजेपी कर्मी जो है, साफ आप देख पा रहे हैं 12 घंटे की ये असर साफ मिल रहा है, जो सुबह 6 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक सिलीगुड़ी को बंद करने का ये लोग मांग किए थे, बीजेपी कर्मी, बीजेपी पार्टी, उसका असर कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है शहर में। चारों तरफ की स्थितियां आपको मैं थोड़ा देर पहले सिलीगुड़ी जंक्शन की भी हालात दिखाया, अब ये देख पा रहे हैं आपके एनबीएसटीसी बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस और भाजपा कर्मियों के बीच में स्थितियां कुछ नोकझोंक सा भी दिख रहा है। और आपको मैं बता दूं, ये आपके सामने देख पा रहे हैं एनबीएसटीसी बस, और एनबीएसटी बस में भी यहां पे उसको टस से मस नहीं होने दिया जा रहा है। सरकारी बस को भी रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज हड़ताल है तो हड़ताल ही रहेगा, इसे ही कायम करना है किसी भी तरह से। और बीजेपी कर्मी एकदम मानने को तैयार नहीं है। अब थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है, आप देख पा रहे हैं पुलिसकर्मी बैरिकेटर को हटाने की चेष्टा कर रही है, और बीजेपी कर्मी समर्थक जो है उग्र होते हुए भी दिख रहे हैं। कहा नहीं जा सकता है आगे स्थितियां क्या होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, आगे की स्थिति मैं आपको बताते रहूंगा, ऐसे अपडेट करते रहूंगा। आप देख पा रहे हैं मैं पंकज, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स, BBC News 24x7 के सौजन्य से, और द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से, द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया के सौजन्य से, मैं पंकज, आप देख पा रहे हैं बीजेपी कर्मी और पुलिस के बीच एक छोटी सी नोकझोंक आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर से एक बार बस, फिर एक बार जो है बस को रोका गया है, बस को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है कि बस को जाने दिया जाए, लेकिन बीजेपी कर्मी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये कमर कस के तैयार हैं और वो टस से मस एक इंच भी बस को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं भाजपा कर्मी हमारे बीच हैं, जो बस के एनबीएसटीसी के बस के ड्राइवर को स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आप चुपचाप बाहर उतर जाओ, हड़ताल को पालन करने दो। वो एकदम फिर से बैरिकेड बीजेपी कर्मियों के द्वारा फिर से लगा दिया गया है। किसी भी हालत में जो है वो प्रशासन को किसी भी हालत में जो है बस को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आप साफ देख रहे हैं। तो चाहे जितनी भी कोशिश कर रही है प्रशासन, लेकिन उसे सफलता मिलती नहीं देख रही है, नहीं दिख रही है। और बीजेपी कर्मी जिस तरह से कमर कस के अपने विचारों में ये संकल्प ले लिए हैं कि आज कुछ भी हो जाए हम शहर को बंद करके ही रहेंगे, शहर को और बस को आगे नहीं जाने देंगे, चक्का जाम करके रहेंगे। तो हिलकाट रोड का जो माहौल है वो आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं स्थितियाँ। पुलिस कर्मी और भाजपा समर्थकों में नोकझोंक का भी माहौल साफ और स्पष्ट दिख रहा है, जो हो सकती है और होता ही है, स्वाभाविक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब एक पक्ष कहे कुछ और दूसरा पक्ष कहे कुछ तो वहां पे अंत में तो यही सब होता है। तो आपको बता दें मैं पंकज, यहाँ पे भाजपा और ये जो देख रहे हैं आप पुलिसकर्मी के बीच में टसन साफ दिख रहा है। और आपको मैं क्या बताऊं, जुड़े रहे हमारे साथ आप द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 के सौजन्य से ये प्रोग्राम, ये समाचार, ये एक्सक्लूसिव न्यूज को देख पा रहे हैं। कैसे मैं आप साफ साफ सुन रहे हैं कि आप ये तस्वीरें लगातार देख सकते हैं हिलकाट रोड से, बीजेपी कर्मी समर्थक
और वो और ज़्यादा उग्र होते हुए दिख रहे हैं। प्रशासन जब जब उनको रोकने की चेष्टा कर रही है वो और ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। और ये जितने भी तमाम देख रहे हैं बड़े बड़े KFC और ये जो भी दुकानें हैं ये सब बंद हो रही हैं। इसको आज के लिए 12 घंटा का बंद का आह्वान जो है उसमें कहीं ना कहीं BJP सफल होते दिख रही है। आगे कहा नहीं जा सकता है क्या होगा, स्थितियाँ जैसी भी स्थिति हो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में। और देखिए पुलिसकर्मी जो है लाठीचार्ज भी शुरू कर दी है और BJP समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना जान प्राण लेकर के भागने की भी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी BJP कर्मी डटे हुए हैं, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप साफ हमारे कैमरे के सौजन्य से देख पा रहे हैं। ये आप ये अमित जैन को सुन रहे हैं, BJP पार्टी के अधिकारी, आप देखिए सुनिए इन्हें। अमित जैन जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी लोकतंत्र कोई भी शासन तंत्र नहीं रहा, यहाँ जंगल राज हो गया है, ऐसा आरोप है भाजपा समर्थक पार्टी का। और अभी भी BJP हटने का नाम नहीं ले रही है। BJP कर्मी समर्थक वो चाहे पुलिस चाहे जो कुछ कर ले वो उनके सामने टस से मस नहीं हो रहे हैं, ना पीछे हटने को तैयार हैं, एक इंच पीछे नहीं हट रहे हैं। और माहौल अभी भी बहुत ही गर्म है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये भाजपा के तरफ से जो उत्तर बंग नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी शहर को आज जो 12 घंटा का बंद का आह्वान था उसके लिए वो लोग उसको बंद कराने के लिए कमर कस के मैदान में साफ सड़क जो है एलकाट रोड रणभूमि में तब्दील हो गया है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है।